नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे COVID-19 यानी कि जो आपका कोरोना वायरस है, इसकी महामारी का प्रभाव हमारे भारतीय समाज के कई वर्गों पर किस तरह से पड़ा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें चाहे फिर आपका महिलाओं के ऊपर देख लीजिए, फिर लड़कियों के ऊपर, किशोर, या फिर जो ट्रांसजेंडर हैं उनके ऊपर, या फिर विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर क्या पड़ा है, बुजुर्ग व्यक्तियों पर क्या पड़ा है, कम आय वाले लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है इसका, इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई देश इससे अछूता रह गया हो। और आप अपने देश की स्थिति देख सकते हैं, एक समय हुआ करता था कि हम लोग सुनते थे आज 200 केस आए, आज 500 केस आए, अब आप सुन रहे हैं कि 48 से 50 हजार केस डेली के आ रहे हैं। करीब आपका 29 जुलाई तक देख रहे हैं कि 15 लाख के करीब केस आपके होने जा रहे हैं। तो आप स्थिति भयानक देखते ही जा रहे हैं, किस तरह से बदलती जा रही है। कई शहरों में अब दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। कोविड महामारी के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। इस अभूतपूर्व संकट सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त की गई सफलताओं के लिए भी बाधक बनता जा रहा है। हालांकि इसका स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अल्पकालिक से मध्यकालिक है, लेकिन लैंगिक निहितार्थों के साथ इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। एक समझ में सीधी बात याद रखिए कि जो आपके SDG है, SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आंसर राइटिंग के लिए भी जरूरी रहते हैं और कई बार आपका नॉर्मल भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है? तो उसे भी याद अच्छे से रख लीजिए। एक समय आप लोग सुना सुना करते थे कि आपके देश की विकास दर 7.4 7.5 हुआ करती थी। आज कई रेटिंग एजेंसी आपकी बता रही हैं कि 1.5% से 2.5% तक आपकी विकास दर रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित हुई है। और इसमें आप देखें कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका भी उन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ा हुआ है। आप एक ठेले वाले को ले सकते हैं जो रेडी लगाता होगा, आप ट्रांसजेंडरों को ले सकते हैं, ये तो दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड रहते थे, किस तरह से पैसे मांगते रहते थे, बुजुर्गों को देख सकते हैं आप लोग, महिलाओं की स्थिति को देख सकते हैं। इस महामारी ने मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया, यानी कि जो आपके सबके बीच सामाजिक आर्थिक भेदभाव हुआ करता था उसकी खाई को और बढ़ा दिया है कोरोना महामारी ने। वंचित समूहों के लिए यह संकट की अधिक कष्टदायी है। इन वंचित समूहों में महिलाएं, लड़कियां, किशोर और तृतीय लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति और कम आय वाले लोग अथवा सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद लोग आदि शामिल हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सब कुछ रुका पड़ा हुआ है आपके देश में, तो विभिन्न समूहों पर इसका बहुत बहुत बुरी तरह से आप लोग प्रभाव देख सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों पर अगर हम लोग प्रभाव की बात करें, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, कोविड महामारी के कारण कई किए गए देशव्यापी लॉकडाउन और आवाजाही में लगे प्रतिबंधों के कारण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक गर्भावस्था सेवाएं बाधित हुई हैं। आप देखिए कि महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य की आवश्यकताएं थी वो भी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने बाकी बीमारियों पर नजर हटा ली वहां से। आपने देखा होगा पहले आप सुनते रहते थे इस बीमारी का प्रकोप है उसका, लेकिन जब से कोरोना महामारी आया तब से सभी बीमारियों को नजरअंदाज कर दिया है। वही हाल है कि आपने सुना होगा कि आपको चोट लगती है, उसके बाद चोट लगती है आपको तब दर्द होता है, कई बार अनुभव करते रहते हैं हमें चोट लगी, लेकिन जब आपका ज्यादा आपको चोट लग जाए पहले वाली चोट से तो आप पुरानी वाली चोट को भूल जाते हैं और नई आपको चोट याद आने लगती है। तो वही हाल है कि इस कोरोना की वजह से बाकी हम बीमारियों को भूल चुके हैं। आपूर्ति श्रृंखला के विघटन से गर्भ निरोधक की उपलब्धता में कमी आई है। इसके अलावा संक्रमण फैलने की आशंका के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भ निरोधकों की मांग की कमी की। गर्भावस्था की देखभाल जैसी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है। इससे अनपेक्षित गर्भधारण में वृद्धि के साथ कुल प्रजनन दर में वृद्धि होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि मार्च में COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद 9 महीने के भीतर दिसंबर तक भारत में कुल 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म होने की संभावना है। इसके साथ ही यूनिसेफ ने सभी देश को आगाह किया है कि दुनिया भर में वैश्विक महामारी के दौरान
गर्भवती महिलाएं और इस दौरान पैदा हुए बच्चे प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं के संकट को सामना कर सकते हैं। यह महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के खिलाफ तो है ही, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रदाय किया जाना चाहिए। इसमें कहा जाने का मतलब सीधा सा ये मतलब है कि वैसे भी हमारे देश में जनसंख्या आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन कोरोना महामारी में क्या हुआ कि आदमियों ने, मतलब लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ नहीं तो चलिए बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले लोग सोचते थे कि अभी रहने दीजिए बच्चे पैदा, लेकिन इस टाइम में अधिक बच्चे आपको पैदा होने को मिलेंगे। लिंग आधारित हिंसा की बात करें अगर हम लोग, चूंकि सभी लोगों को अधिक से अधिक समय घर में बिताना पड़ रहा है जिसके कारण घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट काल में घरेलू हिंसा में वृद्धि दर्ज की है, इसलिए इस हिंसा को संबोधित करने वाली सेवाओं को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। नागरिक और समाज राज्य की संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को इस हिंसा से बचाया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनर्वास किया जाए। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप देखते हैं महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार होते रहते हैं, तो लॉकडाउन के समय में पूरा परिवार एक साथ रहा तो उससे और ज्यादा इस तरह की हिंसा देखने को मिली हमें। इन मुद्दों के निराकरण के लिए निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों में के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ये आपका 1979 का है। जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1994 का है। बीजिंग घोषणा ये 1995 की बात है। अब हम बात करते हैं किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका महामारी का, COVID-19 का। यूनिसेफ रिपोर्ट दर्शाती है कि कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया में 60 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। खाद्य सुरक्षा, खाद्य असुरक्षा, पोषण, टीकाकरण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान आने से अगले 6 महीनों के भीतर 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसके साथ ही यूनिसेफ के अनुसार COVID-19 के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 यानी कि 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा के वंचित हो जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि भारत में भी कोरोना वायरस के कारण बच्चों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसे हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। एक बात और आपको बताऊं, अभी कल ही परसों एक आर्टिकल आपके को मैंने बताया भी था कई जगह कि अभी बताया जा रहा है कि जितना कोरोना से नहीं मरेंगे लोग, अब आने वाले दिनों में कुपोषण से मर जाएंगे, क्योंकि भूख की स्थिति आपने देखी किस तरह से झेल रहे हैं। और शिक्षा की बात करें तो कई लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन, देखिए हमारा देश इतना विकसित नहीं है कि हर किसी के पास सुविधाएं हों ऑनलाइन पढ़ने की। अभी अभी आप जानते हैं कि एक बड़ा समूह इस तरह की सेवाओं से वंचित है। फिर आपका शिक्षण संस्थाएं लंबे समय से बंद देखी जा रही हैं और साथ ही घरेलू स्तर पर गंभीर आर्थिक तनाव भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। चूंकि इस महामारी से बचने का एक उपाय सामाजिक दूरी भी है, जिससे सामाजिक समर्थन भी सीमित हो गया है, जो तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम को बढ़ा सकता है। शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से यौन शिक्षा की बहुत पहुंच में भी कमी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप किशोर कम उम्र में ही अनचाहे गर्भधारण, यौन संचारी संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। सहकर्मी से मेल जोल का अभाव, टीम वर्क जैसे सामाजिकरण और जीवन कौशल सीखने की क्षमताओं को के विकास में भी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए युवाओं को ज्ञान प्रदान करने और जीवन कौशल विकसित करने में लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि पूरी तरह से एक तरह से ठप्प बढ़ चुका है जब से कोरोना महामारी आई हुई। अगर हम लोग बुजुर्ग लोगों पर बात करें इसके प्रभाव की, तो जो बूढ़ा मतलब एक ऐसा मतलब आयु का है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है पूरी तरह से, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी से सबसे जल्दी प्रभावित होने वाली वंचित है। और याद रखिए यही सब जान जाने वाले लोगों में इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। इनका प्रतिरक्षा तंत्र सबसे कमजोर माना जाता है और महामारी से संबंधित मौतों के लिए ये सबसे कमजोर कड़ी भी है। बुजुर्गों के लिए सामान्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में व्यवधान उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है, उम्र से संबंधित बीमारियों को अधिक प्रभावी बना सकती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अधिकतर 50-60 के बाद आप देखते हैं कि कई तरह की बीमारियां आपको घेरने लगती हैं,
तो आप देख रहे हैं, और जिनका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी उन्हें कुछ ज्यादा ही से हानि होगी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक अलगाव, बुनियादी जरूरतों के लिए परिवार और सामुदायिक समर्थन की कमी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल करती है। इसलिए उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, पानी, पेंशन आदि सेवाएं बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। फिर बात करते हैं यौन कर्मियों और तृतीय जो ट्रांसजेंडर है, लिंग समुदाय, इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान बामुश्किल जीवित रहने के अलावा यौन कर्मी COVID-19 के प्रति अति संवेदनशील तंग वेश्यालय में रहने के लिए मजबूर हैं। इन्हें ना तो पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है और ना ही स्वच्छ शौचालय। कहीं कहीं तो 50 से भी अधिक यौन कर्मी एक ही शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। पहले से मौजूद बीमारियां COVID-19 को यौन कर्मियों के लिए और खतरनाक बना देती। भारत की जो तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अक्सर अपनी वास्तविक पहचान अपने परिवार वालों या रिश्तेदारों से छुपाते हैं और घरों से बाहर भी अपने मित्रों के साथ बेहतर समय बिताते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान अधिक समय तक अपने परिवारों के साथ रहना पड़ रहा है, जिससे उनके मानसिक तनाव बढ़ रहा है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, आखिर ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इसमें समाधान क्या हो सकता है। COVID-19 ने पूरे समाज को संकटग्रस्त कर दिया है, इसके साथ मिलकर ही निपटा जा सकता है। इसलिए हम सब साथ साथ हैं कि अवधारणा का अनुपालन करते हुए समाज के सभी वंचित समुदायों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाते हुए काम करना होगा। सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने, इन लक्ष्यों की दिशा में अब तक प्रगति को बनाए रखने के लिए इन संवेदनशील वर्गों को COVID-19 यानी कि कोरोना महामारी की आपदा से बचाना होगा। इसके लिए नागरिक समाज एवं सरकार को सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक मंच पर आकर कार्य करना होगा, ताकि इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और जो मौजूदा संकट है और इससे पहले की आपदाओं से अगर कुछ सीखा गया तो वह यह है कि विपत्तियों में भी मानव अधिकारों और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए, जिससे समाज के हर एक वर्ग के उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और आप भी अपने आसपास देख ही रहे होंगे इस तरह की समस्याएं कि कई वर्ग इससे प्रभावित हैं। आप सोचिए कि जो डेली कमाते थे, डेली खर्च करते थे, उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। समझ रहे हैं, ई रिक्शा वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, उनका तो पूरी तरह से रोजगार चौपट। और आप सोचिए सरकार कितना मदद कर रही है, इसे आप भी जानते हैं। 500 रुपये में क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। 2 वक्त 3 वक्त का खाना नहीं अच्छे से हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे आने वाली स्थिति क्या होती है।